तो आज हम करेंगे तू जरूरी है, अरमान मलिक का जो कवर था उसका लेसन करेंगे। काफी अच्छा गाना है, काफी इजी गाना है, जो बिगिनर्स है उनके लिए काफी इजी होगा। और जिनको अभी लीड गिटार प्रैक्टिस करना है तो ये जो इंट्रो म्यूजिक है आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पे इसके टैब्स के साथ आपको बता दूंगा, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। और अगर ये लेसन आपको हेल्प करा है जरूर इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इंट्रो का पहला पार्ट देख लेते हैं, मैं अभी आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ विद टैब्स, ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे। ये स्टार्ट हो रहा है आपका थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट से, इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे, बजाएंगे लाइक दिस। इसका सेकंड पार्ट है ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या करेंगे अभी यहाँ से हम लोग जो एंड के यहाँ पे उसको पीछे लेके स्लाइड फिर से आगे लेके आएंगे लाइक दिस। उसके बाद जो एंड हो रहा है थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे, देख लो फिर से सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ तक सेम था। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग फोर्थ स्ट्रिंग पे 9 10 10, उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे 10 से 12 स्लाइड। इसको एक फ्लो में करने से, मैं फिर से एक बार फ्लो में करके आपको बता देता हूँ सेकंड पार्ट लाइक दिस। तो इंट्रो 2 बार बजाने के बाद आपका गाना स्टार्ट होता है ए माइनर से, जो गाना है ए माइनर की पे है। और जो कॉर्ड्स लग रहे हैं इसमें आपके लगेगा पहला ए माइनर, ई माइनर, डी माइनर एंड जी मेजर, एक एफ मेजर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा आपको रिदम बता दूंगा, जो 2 3 रिदम यूज है इसमें। पहला जो है सिंपल डाउन डाउन में चल रहा है लाइक, ये पार्ट में बस सिंगल डाउन स्ट्रम में चल रहा है। उसके बाद जो स्टार्ट होगा कोरस पार्ट, प्री कोरस आएगा, उसमें आएगा डाउन, बस डाउन 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 डाउन, ऐसा कर सकते हो, नहीं तो एक अप भी लगा सकते हो लाइक दिस, डाउन 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 डाउन, कैसा कर रहा है, डाउन 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 डाउन, ठीक है। आप इसको फ्लो में करो आपको समझ में आ जाएगा लाइक दिस। इसमें जो प्री कोरस है उसमें पार्ट में क्या कर रहा है, ऐसा करके तो उसका जी में 4 टाइम कर, एक स्लाइड कर, स्लाइड कैसा कर रहा है, जो 12 फ्रेट से 6 स्ट्रिंग 12 फ्रेट से डाउन करके बस उसको पीछे की ओर ऐसे स्लाइड करके छोड़ देना है लाइक दिस। उसके बाद ए माइनर पे स्ट्रम, इसको बस प्रैक्टिस करो, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रमिंग आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, डाउन अप डाउन 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 डाउन। तो जो रिदम बज रहा है कैसा बज रहा है लाइक दिस, डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन। इसमें क्या जो डाउन हो रहा है उसको हल्का सा डाउन करें, कंप्लीट डाउन नहीं करके जस्ट हाफ डाउन करें लाइक दिस, डाउन अप हाफ डाउन देन डाउन 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 डाउन। इसको प्रैक्टिस करो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको गाने के साथ प्ले करके दिखा दूंगा। और आप अगर वीडियो से कॉर्ड्स निकालने का ट्राई कर रहे हो जो अरमान मलिक ने जो कॉर्ड्स बजाया है उसमें, तो वो आप ध्यान रखना है कि उसमें थोड़े गलत कॉर्ड्स ही वो लग रहे हैं। गलत मतलब प्रोग्रेशन थोड़ा चेंज कर हो रहा है वीडियो में, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो वीडियो बनाते हैं उसमें मोस्टली सब एक्टिंग ही करते हैं बजाने का। तो एक दो जगह में एफ की जगह उन्होंने जी पकड़ लिया है, डी माइनर पकड़ लिया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, यदि आप वीडियो से कॉर्ड्स निकालने का ट्राई करो वो थोड़ा गलती सुधारने का ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए अब गाने के साथ कॉर्ड्स देख लेते हैं।